गाइस, अगर आपको बाइनरी ऑप्शंस या फिर बिटकॉइन या फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो आप बाइनोमो यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेल हे व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर बैक विद अ न्यू वीडियो और स्टॉक मार्केट न्यूज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं काफी सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड ₹52,309 पर 10 ग्राम, मे टच 65,000 दिस ईयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड काफी ज्यादा रैली कर रहा है, और वे बैक 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ज्यादा लोगों ने देखी नहीं, 300-400 व्यूज आ गए उसके ऊपर। वहां में मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको ये करना है। उसमें मैंने कहा था कि गोल्ड बाय करके रखो, और गोल्ड ऑलमोस्ट 46-47 पे था उस टाइम पे, आज 52,000 पे ट्रेड कर रहा है, 65 आने वाले टाइम में जा सकता है। वी नेवर नो, जाएगा नहीं जाएगा, मैंने खुद गोल्ड पे एनालिसिस ज्यादा की नहीं है, बट अगर गोल्ड 65,000 पे जाएगा इसका मतलब ये है कि लोग गोल्ड काफी ज्यादा बाय कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असर होगा हमारे स्टॉक मार्केट पे। अचानक से गोल्ड का इतना ज्यादा राइज होना हमारे लिए एक ऐसी थोड़ी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब स्टॉक मार्केट थोड़ा खतरे में है। स्टॉक मार्केट में से लोग या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो बड़े बड़े रिच इन्वेस्टर्स है, वो एग्जिट मार रहे हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉक मार्केट से। मूविंग फॉरवर्ड, इन्वेस्टर रवि ओम प्रकाश अग्रवाल रेजेस स्टेक इन इंफीबीम। तो बहुत से लोग यहाँ पर कॉपी ट्रेडर्स होते हैं जो बड़े बड़े गॉडफादर्स को कॉपी करते हैं, तो आप उनमें से एक हो तो यहाँ पर इन्हें कॉपी कर सकते हो, ओम प्रकाश अग्रवाल जी को, जिन्होंने यहाँ पर इंफीबीम में अपना स्टेक राइज किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ITC share falls after Q1 profit falls 26% year on year to ₹2,342 crore। तो ITC का शेयर यहाँ पर गिर चुका है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा असर हो रहा है year on year basis के ऊपर। किस पे? year on year basis के ऊपर। तो most ऑफली इसके जो यहाँ पर सिगरेट EBIT जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर गिरा है 38.8% से, और बाकी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट एवरेज ही चल रहा है। तो इसका मतलब इसका तो मोस्टली बिजनेस फैला हुआ है। तो अभी हम देख सकते हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में शायद इसका जो FMCG वाला सेक्टर वाला बिजनेस है वो शायद फ्लरिश करे, बट बाकी का जो बिजनेस है वो ज्यादा ना कमाए। वेल, आगे बढ़ते हैं। Mindspace Business Parks RIT IPO subscribe 38% on day one। कल मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, कंप्लीट उसके बारे में बात की है मैंने। तो फर्स्ट डे ये 38% सब्सक्राइब हो चुका है, पहले इसका 52 या 53% आई गेस ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस ने इसे सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो ये एडिशनल बाकी का सब्सक्रिप्शन है, जो भी रिटेल्स का सब्सक्रिप्शन है और बाकी का एड ऑन सब्सक्रिप्शन नया अभी जो FPO में एक्चुअली है, नॉट एंकर वाला, बाकी का है वो 38% अभी यहाँ पर कंप्लीट एक फर्स्ट डे में हो चुका है। लास्ट डे तक वेट करो अगर करना है, तो लास्ट डे पे देखो कैसा यहाँ पे परफॉर्म ये करता है। वेल, लिस्टिंग गेंस को लेवल के लिए बोला है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो अभी ही कर सकते हैं, लिस्टिंग गेंस वालों के लिए बोल रहा हूँ। वेल मूविंग फॉरवर्ड, कल भी एक करेक्शन है, वो 55,000 है। मनी कंट्रोल ने हमें ठीक से बराबर इन्फॉर्मेशन दी नहीं, मेरी तो गलती नहीं है, मनी कंट्रोल को बोलो। मूविंग फॉरवर्ड, टेक महिंद्रा Q1 प्रॉफिट्स जंप 21% टू ₹972 करोड़, रेवेन्यू फॉल्स बट बीट्स एस्टीमेट्स। तो यहाँ पर टेक महिंद्रा का प्रॉफिट जंप हो चुका है 21% से, और बट रेवेन्यू गिरा है, बट एटलीस्ट एस्टीमेट्स से ज्यादा ही है। हम देख सकते हैं इसका स्टॉक भी ठीक ठाक परफॉर्म किया, निफ्टी आज कुछ ज्यादा अच्छा था नहीं, परफॉर्म किया नहीं, बट स्टिल एटलीस्ट टेक महिंद्रा ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है आज के दिन की बात करो। वेल, आगे बढ़ते हैं। मैरिको क्वार्टर वन बीट्स एस्टिमेट्स, प्रॉफिट जंप 23% टू ₹388 करोड़। वेल, मैरिको क्वार्टर वन बीट्स एस्टिमेट्स, काफी अच्छी बात है कि एस्टिमेट से ज्यादा कंपनीज प्रॉफिट कमा रही है, और स्पेशली FMCG कंपनीज, तो इसका मतलब FMCG सेक्टर को काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बात है। 23% राइज हो चुका है मेरिको, अच्छी बात है। आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, एक पीक बनाया था बट स्टिल स्टॉक में गिरावट आई है। निफ्टी भी कुछ अच्छा था नहीं, इसलिए आई गेस ये निफ्टी के अकॉर्डिंग ही मूव किया।
बड़ी खबर है, काफी बड़ी खबर है। अमेजोन में इन्वेस्टेड रिलायंस एक पहले से ही चर्चा में था और की बैकर फॉर जियो मार्ट, और ये शायद अभी और कंफर्म होते जा सकता है क्योंकि मुकेश अंबानी, हमें पता है बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, गूगल, फेसबुक, क्वालकॉम का सिल्वर लेक, काफी बड़े बड़े यहाँ पर का इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो अमेजोन भी अगर करेगा और जियो मार्ट को बैक करेगा तो हम देख सकते हैं जियो मार्ट एंड अमेजोन दोनों मर्जली यहाँ पर काम करे। आप शायद अमेजोन से ही जियो मार्ट के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप के साथ इसका सिचुएशन चल रहा है, तो व्हाट्सएप की तरह ही आप अमेजोन के साथ भी ये चीज देख सकते हो। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, फ्यूचर इसका काफी ज्यादा ब्राइट है। आगे बढ़ते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ पर स्टेक अपना अप किया है एक स्मॉल कैप बैंक में जिसका नाम है करूर व्यासा बैंक। यहाँ पर करूर व्यासा बैंक ने उन्होंने अपना स्टेक राइज किया है अप टू 70%, और ये 70% 4 महीने में राइज हो चुका है जो कि एक काफी अच्छी बात है। 4.50% स्टेक यहाँ पर इंक्रीज किया है ड्यूरिंग अप्रैल टू जून क्वार्टर में, तो अगर आप एक कॉपी ट्रेडर हो तो आप इस चीज को भी कॉपी कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, ये भी एक काफी बड़ी खबर है स्पेशली यहाँ पर ब्रोकर्स के लिए और आपके लिए भी। इंडियाज ब्रोकिंग इंडस्ट्री जस्ट गॉट शॉक आफ्टर इट्स लाइफ, सेबी में सून अलाउ इन्वेस्टर्स टू ट्रेड डायरेक्टली ऑन द एक्सचेंजेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर सेबी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को एक्सचेंजेस के साथ काम करने में अलाउ करेगी, ब्रोकर की कोई जरूरत नहीं होगी इन द कमिंग फ्यूचर। हमें पता नहीं है कैसा जा रहा है, बट बहुत से ब्रोकर्स स्पेशली यहाँ पर हम देखा जाए जीरो तक है, सीयू ने भी ट्वीट की थी, तो दे आर नॉट हैप्पी विद दिस थिंग। वेल, हम आते हैं हमारे सबकी फेवरेट बैंक यानी यस बैंक के ऊपर। यस बैंक हिट्स 10% लोअर कैप एज एफपीओ शेयर स्टार्ट ट्रेडिंग, टिल्डन पार्क गेट 7.48%। वेल, हम देख सकते हैं यहाँ पर यस बैंक ने अपने शेयर में लोअर सर्किट लगाया है। क्या लगाया है? लोअर सर्किट लगाया है, और अगर कल भी अगर लोअर सर्किट लगता है तो ये ऑलमोस्ट 10.5 तक चला जा सकता है, वी नेवर नो। तो आपको आगे क्या करना चाहिए? वेल, आगे तो आपको मेरा ये कहना है कि हमने पहले ही वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं, आपको क्या करना है, स्टॉक गिरे तो भी आपको क्या करना है, आप जाके वो देख सकते हैं। इसके मोस्ट प्रॉब्ली एक हिडन न्यूज है जो मुझे जीरोधा के पोर्टल पे दिखी कि यहाँ पर 28 जुलाई यानी आज के दिन यहाँ पर इसके रिजल्ट्स आएंगे। वी नेवर नो, शायद आए ना आए, पर यहाँ पर कोई भी मीडिया कवरेज ने इसे कवर नहीं किया है इसलिए मैं इसे श्योर नहीं हूँ, बट जीरोधा ने यहाँ पर अपने पोर्टल में दिखाया है कि यहाँ पर आज के दिन इसके रिजल्ट्स आने हैं। तो आई होप अगर इसके रिजल्ट्स आए तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशली और वीडियो बनाऊंगा जहां पर बताऊंगा कि आपको क्या करना है स्टॉक गिरे तो भी। बहुत से लोग, मैंने पहले ही कहा था कि लिस्टिंग गेन्स के लिए मत लेना, और पहले ही जिन्होंने बात नहीं मानी, लिस्टिंग गेन्स के लिए लिया है, अभी फंस चुके हैं। आपको क्या करना है, जल्दी इसके ऊपर वीडियो आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। वेल, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद अच्छा लगा तो हो सकता है।